हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल B2M। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल B2M में गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। माय सेल्फ अजीत तिवारी। गाइस राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू क्रिस्टल क्लियर सीरीज ऑफ क्लास 7 NCERT, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट कवर कर रहे हैं एंड वी आर एबल टू मेमोराइज 90% ऑफ दिस इन द सेशन इटसेल्फ। आइए गाइस जरा स्ट्रेटजी को आगे और बढ़ाते हैं। सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, दिस चैनल इज B2M UPSC CSE। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू इट नाउ। फाइन, myself Ajit Tiwari having experience more than 15 years and mentored more than 10 lakh students both offline and online classes. Guys, I have worked as a senior faculty in top institutes of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks for long term retention and guys, I used to interact a lot. You know that the more you interact, the more you learn. Interaction is the most important part of your preparation. आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आपने टेलीग्राम चैनल अजीत तिवारी सर @JournalStudies को ज्वाइन कर लिया है। यस और नो राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर कर लिया है ग्रेट, अ बिग थम्स अप। नहीं किया है उदास नहीं होंगे। लिंक इज t.me, ये स्मॉल में है, t.me/ajitlive। फाइन गाइस, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस नंबर, सेम नंबर। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर इंट्रैक्शन अजीत तिवारी सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फाइन, दोस्तों को भी बताएं। गाइस, अ लॉट टू ऑफर टू यू फॉर योर इम्प्रूवमेंट, हैव अ लुक वन बाई वन। बट ऑब्वियस जो गाइस आज मास्टर है वो कभी ना कभी बिगनर था। फाइन, सो इन दिस चैनल वी आर गोइंग टू कवर अ जर्नी ऑफ फ्रॉम अ बिगनर टू अ मास्टर। क्या आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया? गाइस नहीं किया है, इंस्टॉल इट नाउ। व्हाई? बिकॉज यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस। लिसन, फॉर एग्जांपल गाइस, आज 11 PM पे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे अगर आप मेरे प्रोफाइल को सर्च करोगे, अजीत तिवारी इन द UPSC CSE कैटेगरी, You will get today test series, Atma Pariksha, All India free test series. And guys, a number of interesting classes are there. You can experience, you can enjoy plus for free. My dear friends, for your one-stop solution, go for Unacademy subscription. अगर आपने अभी तक Unacademy के subscription के बारे में नहीं सोचा है, आपको नहीं idea है, मैं आपको बताऊंगा। दिस इज योर कोर्स विथ इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। क्लिक हियर गेट सब्सक्रिप्शन। क्या आपको मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइव टेस्ट एंड क्विजीज, अनलिमिटेड एसेस आपको मिलेगा एंड माय डियर फ्रेंड्स, 90+ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उनकी क्लासेस कर सकते हो मेरे साथ साथ, तो मेरे साथ साथ आप उनकी क्लासेस कर सकते हो। कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। गाइस, फॉर वन ईयर फी इज 44,000। जैसे जिसमें अभी 54% का ऑफ चल रहा है और जैसे आपने यहां मैजिकल कोड अजीत लाइव यूज किया, यू विल गेट ऑसम डिस्काउंट ऑफ 10% And it becomes 39,600. Guys, अगर आपको 2021 में
या 2022 में एग्जाम देना है या 2023 में देना है, इन एनी थ्री केस व्हाट इज ऑप्शन फॉर यू, व्हाट यू शुड डू, गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन जिसमें 67% का ऑलरेडी ऑफ चल रहा है गाइस। एंड से फॉर एग्जांपल फी इज 64,000 और जैसे इस बॉक्स में आपने मैजिकल कोड योर कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया, डिस्काउंट ऑफ 10% इट बिकम्स 57,600 गाइस। 57,600 की फी को आप नो कॉस्ट ईएमआई पे विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कर सकते हो, सो नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया और आपने उसके 12 इंस्टॉलमेंट बना लिए, तो 12 इंस्टॉलमेंट में आराम आराम से मंथली ईएमआई में आसान किस्तों में इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। और 2 साल तक जितनी कोर्सेज अनअकैडमी पे आएंगी, जितने एजुकेटर्स की आएंगी, सारी कोर्सेज आप कर सकते हो गाइस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस यूज किया अजीत लाइव, फॉर 2 ईयर इट इज ओनली एट द रेट ऑफ ₹79 per day। कैन यू इमेजिन, ओनली एट द रेट ऑफ ₹79 per day गाइस। ऑनलाइन की जो सबसे बड़ी समस्या है दैट इज ऑफ पर्सनल मेंटरशिप गाइस। मैंने पर्सनल मेंटरशिप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है व्हाइल यूजिंग दिस कोड। नाउ लिसन, क्या क्या आपको मिलने वाला है। फर्स्ट, जैसे आपने अजीत लाइव कोड यूज किया, डे वन में आपको मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, नंबर वन। नंबर टू, यू विल बी पार्ट ऑफ माय प्लस ग्रुप जिसमें प्रॉपर गाइडेंस, टारगेट्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती रहेंगी, फाइन। नंबर थ्री, ऑलवेज आई एम देयर फॉर योर काउंसलिंग 24/7 बिकॉज इन दिस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन अप एंड डाउन्स आर कमिंग, हाई एंड लोस आर कमिंग, तो इसमें मैं आई एम ऑलवेज देयर विथ यू इन ऑर्डर टू कीप यू गाइज ऑन द ट्रैक। एंड नंबर फोर, प्रॉपर एंसर राइटिंग प्रोग्राम, देयर विल बी अ ग्रुप फॉर ऑल दोज हु हैव यूज्ड माई कोड, जिन्होंने मेरा कोड यूज किया है, देयर विल बी प्रॉपर मेन एंसर राइटिंग प्रोग्राम गाइज। Answer writing program is a very important part of your preparation. A lot to offer, a lot to guide to you guys. Fine. So, my dear students, what to do? जैसे आपने अजीत लाइव कोड यूज किया है, आपके मेल में इनवॉइस आएगा कोड अप्लाइड, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे जरूर भेजें। I will be your personal mentor. I will discuss to you and guide you on right track. बट फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट ऑसम लॉन्च किया है। इन दिस आइकॉनिक प्लस की तरह यहाँ भी लाइव क्लासेस हैं, कॉमन टेस्ट सीरीज दोनों में, अनलिमिटेड प्रैक्टिस दोनों में, स्ट्रक्चर शेड्यूल, फाइन। जब आप प्लस पे अजीत लाइव कोड यूज करते हो, देन ओनली आई विल बी योर पर्सनल कोच। आइकॉनिक में मेरे साथ साथ यू विल गेट वन एक्स्ट्रा एजुकेटर, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इन आइकॉनिक, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक। सो गाइज, यू कैन कंटिन्यू विद आइकॉनिक, अ लॉट टू ऑफर इन आइकॉनिक। कोई क्वेरी, कोई डाउट, डोंट वरी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9873987698 ऑन दिस नंबर गाइज। In Iconic for 24 months, fee is 99,000. While using code Ajit Live, discount of 10%, it becomes 89,100. For 12 months, fee is 64,000. While using code Ajit Live, it becomes 57,600.
और एक साल तक दो साल तक दो ही ऑप्शंस आइकॉनिक बैचेस के हैं. दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन योर एंड्रॉयड मोबाइल पे. जब आप चेक करते हो एंड्रॉयड पे तो ही ये ऑप्शंस आपको शो होते गाइज. सो यू कैन चेक इट ऑन योर मोबाइल एप्लीकेशन फाइन एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट. एनी क्वेरीज कॉन्टेक्ट मी. माई डियर फ्रेंड्स, मैंने प्लस पे ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर कर दिया है. कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइज आई हैव कवर्ड. एंड राइट नाउ कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी, अ वेरी ऑसम कोर्स इज गोइंग ऑन. वेरी ऑसम कोर्स इज गोइंग ऑन. कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी गाइज. आप में से जितने लोग प्लस पे हैं, सी यू टुडे एट रिकॉर्डिंग क्लासेस में आप देख सकते हो आज. सी यू टुमारो एट 6:30. सो टाइमिंग इज 6:30 टू 8:30 PM. आप में से जितने लोग प्लस पे हैं, सी यू ऑल गाइज. वेरी ऑसम कोर्स इज गोइंग ऑन. फील द डिफरेंस, एक्सपीरियंस इट एंड देन यू विल कम टू नो क्यों मैं इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलता हूं. एंड फ्रेंड्स, 24 अगस्त से इंडियन ज्योग्राफी का बैच लॉन्च हो रहा है. वेरी ऑसम, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेक्टिव वन स्टॉप सॉल्यूशन अगेन दिस बैच इज गोइंग टू बी. फाइन, पीपीटीज विल बी इन इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बोथ. सो गाइज, डोंट डिले, गो फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपीरियंस. In month of September, we are having an awesome course, complete course on biology or life sciences. A lot to offer to you guys. Fine. In month of October, I am coming with a big bang, that is geography optional. So my dear friends, what to do? Use code AJITLIVE for your subscription and have a number of benefits. पर्सनल मेंटरशिप वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी टाइम एनर्जी का राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट का होना. आंसर राइटिंग प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. ठीक, पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप, वही लोग जो मेरा कोड यूज करेंगे. फाइन, बिकॉज नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट एवरीवन. जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया, ऑलवेज मैं आपके साथ हूँ गाइज. एंड अ लॉट to offer to you guys. Fine, my dear friends, just give me a big thumbs up and let's start segment. Fine, one by one. Kal aapse baat hui thi, we have discussed about life in tropical rainforest. Kya aapko yaad hai guys, humne kal aapse baat ki thi about paddy cultivation, ki bhai dhaan ke khet mein kaise hoti hai पैडी कल्टीवेशन. क्या आपको याद है गाइस, मैंने कल आपसे बात की थी हाउ देयर इज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट. कैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है. क्या आपको याद है व्हाट इज टापिर. क्या आपको याद है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, टापिर क्या है. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. व्हाट इज टोकन्स, TOUCANS. लंबी सी बिल थी, ये तो बर्ड थी. ठीक गाइस, अगर मैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो आपसे बात हुई थी कि साउथ अमेरिका के कौन कौन सी कंट्रीज में ये फॉरेस्ट लाई कर रहा है. और फिर मैंने कल आपसे बात किया था, प्लीज राइट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस. इक्वेटर पासेस थ्रू डैश डैश एंड डैश कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. जितने लोग फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे गाइस. बट ऑब्वियस आपके पास इस चैनल पे क्लास 6 के सारे चैप्टर्स ज्योग्राफी के अवेलेबल हैं. 7th का टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर 9. टुमारो ये खत्म हो जाएगा.
एंड गाइज मंडे टू सैटरडे डेली यू विल हैव सेशन एट 8:30 PM मंडे से सैटरडे 8:30 PM पे रोज आपका सेशन होगा इस चैनल पे गाइज. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे. वी हैव कवर्ड ऑल दिस चैप्टर, चैप्टर 1 to 8. टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्लास 7 एंड डे आफ्टर टुमारो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी एंड सो ऑन. लाइफ इन द डेजर्ट्स बात करेंगे कल, आज करेंगे लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड. माय डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम बताएं. प्लीज राइट नेम ऑफ फ्यू टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द कमेंट सेक्शन. मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. साउथ अमेरिका का एक टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम बताएं. ऑफ साउथ अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया का बताएं. ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नॉर्थ अमेरिका का बताएं. फाइन गाइस, गो फॉर इट. वन टेम्परेट ग्रासलैंड, वन. ये तीन आंसर आप मुझे बताएं. साउथ अमेरिका का पैम्पास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स एंड नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज. सो पैम्पास, डाउन्स एंड प्रेरीज. फाइन, हैव अ लुक. लस ग्रीन ग्रासेस. मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मॉइस्चर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ल्ड की ग्रासलैंड, प्रेरीज के बारे में, टेम्परेट रीजन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में. सो वर्ल्ड ग्रासलैंड, टेम्परेट रीजन, प्रेरीज, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना. गाइस, अगर मैं आपसे लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, सो आखिर फॉरेस्ट क्या है? वनों से आप क्या समझते हो? फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन. ग्रासलैंड को आप डिफाइन करोगे, ग्रासेस आर द मेन डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ. ग्रासलैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप जानते हो, आपको समझना है. सवाल ये बनता है कि कैसी प्लांट ग्रो करेगी किस रीजन में. द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इन अ रीजन डिपेंड अपॉन क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन. क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स. Have a look on screen. The types of plants that grow here depend upon what type of climate and soil are. Climate एक important role play करेगा in the formation of grassland. For example, अगर मैं earth को guys broadly divide कर दूं, तो this is equator 0 degree. This is Tropic of Cancer 23.5 degree north. This is Tropic of Capricorn 23.5 degree south. ये हिंदी में कर्क रेखा, विषुवत और भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो जोन है, this is called Tropical Zone. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 degree नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र. चूंकि साउथ हेमिस्फेयर में ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नॉट डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड दैट मच इन सदर्न हेमिस्फेयर. टेम्परेट रीजन लैंड का कम होने के कारण
साउथ हेमिस्फेयर में उतनी विकसित नहीं है माय फ्रेंड्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन दिस रीजन सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली कवरिंग लेस एरिया, हाई टेम्परेचर, मोर इवेपोरेशन, मोर रेनफॉल. तो यहां पर जो ग्रासेस होंगी उनकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी लार्ज होगी. क्यों? लाइट एबंडेंट, सनरेज एबंडेंट, टेम्परेचर ऑप्टिमम, रेनफॉल सरप्लस, सॉयल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड, कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल. और इस रीजन को आप बोलेंगे शीतोष्ण क्षेत्र. टेम्परेट रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर प्रेजेंट. आइए, हमने ट्रॉपिकल की बात पीछे कर ली है, लेट्स हैव अ लुक अबाउट प्रेरीज, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेट ग्रासलैंड. द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड एज प्रेरीज. क्या है ये? रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड. आपको बिल्कुल ये फ्लैट दिख रहा है. फॉर द मोस्ट पार्ट दे आर ट्रीलेस, पेड़ रहित. नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड. जाहिर सी बात है, वेजिटेशन का पैटर्न, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करेगा. फाइन. सो ये ट्री लेस है तभी आप इसे घास के मैदान, ग्रासलैंड बोल रहे हो. टॉल ग्रासेस अप टू 2 meter हाई. ये आपको क्या दिख रहा है? इट इज एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास. जहां दूर दूर तक आप देख रहे हो आपको सी ऑफ ग्रासेस दिख रहा है. कितनी ग्रास? समटाइम्स अप टू 2 meter हाई. आप विजुलाइज करो, नहीं कर पा रहे हो मैं आपको हेल्प करता हूं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. नॉर्थ अमेरिका गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका देयर इज अ फोल्ड माउंटेन. जैसे आपने साउथ अमेरिका में किया था एंडीज एज अ माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में देयर इज अ फोल्ड माउंटेन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोल्ड माउंटेन? ए एटलस, बी रॉकीज. वेस्टर्न की बात हो रही है. सी एपलेशन, डी नन ऑफ द एबव. एटलस, रॉकीज, एपलेशन, नन ऑफ द एबव. वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हैव लुक ऑन स्क्रीन. मेरे प्यारे दोस्तों, वेस्टर्न मार्जिन में रॉकीज माउंटेन आपको दिख रही है. यहां पे ग्रेट लेक्स आपको दिखेंगी. माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ द ग्रेट लेक्स? क्या आप इन ग्रेट लेक्स का नाम बता सकते हो? एनी ऑफ वन ऑफ यू प्लीज ट्राई नेम ऑफ द ग्रेट लेक्स. ठीक, आपको क्या करना है? आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ढूंढना है लेक मिशिगन, इरी, एंटोरियो, ओंटेरियो. ठीक, इस तरह के सुपीरियर, ठीक, इस तरह के लेक्स को आपको ढूंढना है. फिंगर से प्रोजेक्शंस. फाइन. इन बिटवीन द ग्रेट लेक्स ऑन वन रीजन रॉकीज माउंटेन इन द वेस्टर्न पार्ट. इन दोनों के बीच में देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड कॉल्ड एज प्रेरीज. सो प्रेरीज आर बाउंड बाय रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. पार्ट ऑफ USA एंड पार्ट ऑफ कैनेडा. USA में इस रीजन में इंपॉर्टेंट रिवर जो फ्लो कर रही है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी. ठीक,
एंड कैनेडियन प्रेरीज बाय सास्कैचुआन रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सास्कैचुआन रिवर, SASKATCHEWAN. तो आपको प्रेरीज रीजन में इंपॉर्टेंट रिवर्स का नाम मालूम चल पा रहा है. यानी अब हम इस रीजन की क्लाइमेट की बात करेंगे. आप क्या देख रहे हो, आपने विजुलाइज किया, आपने देखा कि कैसे दोनों रीजन में, कैसे दोनों तरफ से, एक तरफ से मार्जिन ऑफ रॉकीज और दूसरी तरफ से ईस्टर्न हाईलैंड एप्लेशन बेल्ट, ग्रेट लेक्स उसके और वेस्ट में, यानी प्रेरीज के पास जो कॉन्टिनेंट के बीच में है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. और जब जब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होगा. समर्स आर वार्म, टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. विंटर्स में -20 डिग्री सेंटीग्रेड. सी द डिफरेंस. 40 डिग्री का रेंज, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. बींग लोकेटेड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप. कॉन्टिनेंटल टाइप में क्या होगी, तापमान की विविधता होगी, एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर. समर्स आर वार्म अप टू 20 डिग्री, विंटर्स अप टू -20 डिग्री, एज रिकॉर्डेड इन विनीपेग कैनेडा. विंटर्स में थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स द रीजन. जाहिर सी बात है, -20 के टेम्परेचर को आप विजुलाइज करें. एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट, तभी तो ग्रासेस ग्रो कर रही हैं. अगर किसी रीजन में रेनफॉल सरप्लस है तो फॉरेस्ट, और कम तो सवाना, और कम तो ग्रासलैंड, और कम तो डेजर्ट, जमाजम कम तो बंजर भूमि, दैट इज बैरन लैंड. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर, क्या देख रहे हो आप, नॉर्थ में कोई बैरियर नहीं है, साउथ में बैरियर नहीं है. लोकल विंड चिनुक ब्लोस एयर, जब चिनुक रॉकी से नीचे उतरती हैं तो गाइस वो कंप्रेशन कॉज करती है, वार्मिंग कॉज करती है, स्नो की मेल्टिंग करती हैं. दैट इज वाई चिनुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो ईटर. दोबारा समझेंगे, अगर ये रॉकीज माउंटेन है, चिनुक डिसेंड कर रही है, तो जब विंड नीचे आएगी, कंप्रेशन करेगी, कंप्रेशन पर वार्मिंग होगा तो स्नो की मेल्टिंग करेगी, एंड दस कॉल्ड एज स्नो ईटर्स. क्या हम समझने का प्रयास कर रहे थे, What about the flora and fauna of this region? आखिर इस क्षेत्र की फ्लोरा और फौना कैसी है? Fine, have a look on screen. Treeless flora, जहां वाटर होंगी, कुछ विलो, एल्डर्स और पॉपुलर्स ग्रो करेंगी. बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा. Places that receive rainfall of over 50 centimeter आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज सॉइल इज फर्टाइल. दो द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया इज मेज, अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग आर पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा अल्फा. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन गाइज, आप इसे समझने वाले हो. ओके, नाउ हैव अ लुक. यानी यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, लोग गलती करेंगे. Consider the following statements regarding prairies. First, this region is absolutely treeless. No trees are present. Ho gaya galat? Area is because of scarcity of rainfall, deficiency of rainfall, highly unsuitable for farming. In some regions, there is dense cultivation of paddy. All statements are incorrect.
क्या हुआ, क्लास सेवन के एनसीईआरटी से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया, और गाइस लोगों का डैश और डैश हो गया। व्हाट इज अल्फा, अल्फा ये दाल की फैमिली का लेग्यूमिनस फैमिली का एक ग्रास है, वेरी रिच इन प्रोटीन, वेरी रिच इन प्रोटीन। गाइस हैव अ लुक ऑन सम ब्यूटिफुल ऑसम बर्ड्स एंड सम अदर फौना। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको अच्छा लगेगा दिल खोल के अपने हाल बयां करिएगा। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। लार्ज कैटल फार्म्स आर कॉल्ड एज रेंचेस। क्या है रेंच, बात करेंगे। रेंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन, हट्टे कट्टे, जिसे आप काउ बॉयज बोलते हो, काउ बॉयज। बाइसन और अमेरिकन बफेलो इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। आइए इन पे गौर फरमाते हैं। गाइस आपका असाइनमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड, असाइनमेंट नंबर वन ए वन। नेम ऑफ दिस बर्ड, दिस एनिमल एंड ए फोर, इन चारों के नाम बताएं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको काउबॉय दिख रहा है, ठीक। एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लेस और अनरिलायबल, ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स, दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग। जो लार्ज कैटल फार्म्स, दे आर कॉल्ड एज रेंचेस एंड लुक्ड आफ्टर स्टडी मैन, हट्टा कट्टा दिख रहा है आपको, कॉल्ड एज काउ बॉयज। ये आपको काउ बॉयज झमाझम घूमते हुए दिख रहे हैं गाइस। सवाल ये बनता है, व्हाट इज बाइसन, बी आई एस ओ एन, क्या है बाइसन, बाइसन क्या है। माय फ्रेंड्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बाइसन और अमेरिकन बफेलो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। अब शुरू में आप एनिमल का करते हो ओवर एक्सप्लोटेशन और बाद में करते हो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन। अदर एनिमल्स फाउंड इन द रीजन ऑफ प्रेरीज, रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग्स, एंड प्रेरी डॉग्स। प्रेरी डॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमल इन नंबर बट मैक्सिमम इन इंपैक्ट। इसलिए प्रेरी डॉग को हर इकोसिस्टम में कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स ऐसी होंगी जो मिनिमम नंबर की होंगी लेकिन उनका इंपैक्ट ज्यादा होगा। ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीसीज को आप बोलते हो की स्टोन स्पीसीज। क्वेश्चन इज, व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज, दोज एनिमल्स और प्लांट्स विच आर मिनिमल इन प्रोपोर्शन बट मैक्सिमम इन इंपैक्ट आर कॉल्ड एज की स्टोन स्पीसीज। उन्हें आपकी स्टोन स्पीसीज बोलते हो गाइस। पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूटिलाइजिंग द रिच नेचुरल रिसोर्सेस। पूरे वर्ल्ड की दो डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए एंड कैनेडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन। आप जानते हो साइंटिफिक मेथड ऑफ इनका कल्टीवेशन, यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स। अब तो हमारे इंडिया में भी हार्वेस्टर्स यूज होने लगे हैं जो ये 60 से यूज कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका को सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बना दिया, तभी तो आप प्रेरीज को बोलते हो ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। Why? Huge surplus of wheat production. It is called as prairies of the granaries of the world. ठीक, आइए गाइस थोड़ा एक अमेरिका की तंग गलियों को घूम के आते हैं। क्या आप मेरे साथ घूमने को तैयार हो? Just give me a big thumbs up and let me know you guys are ready. Have a look on screen.
गाइस अगर आप मेरे हार्ड वर्क को एंजॉय कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, झमाझम हो रहा है आपके साथ, जस्ट गिव अ बिग थम्स अप, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यू विल नॉट फाइंड नॉट अ इन सिंगल सीरीज ऑफ एनसीईआरटी अप टू दिस लेवल ऑन यूट्यूब। लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के पेजेस में लाइन को पढ़ते हैं, नो वन इज एक्सप्लेनिंग। आप प्लीज इसका फायदा उठाएं। थर्सडे से 8:30 पे आपका सेशन यहां पे होगा, 8:30 to 9:30, और 9:30 से लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी। ठीक, दैट इज गोइंग टू बी ऑसम। यहां चलेगा 7th के बाद 8th, वहां चलेगा 9th। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री, कहां पे, ग्रेट लेक्स रीजन टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लार्ज मिनरल्स डिपोजिट्स पार्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड रेलवेज एंड कैनाल्स इन दिस रीजन हैव मेड इट वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट लेक्स का रीजन, कैनेडा का हडसन बे का रीजन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रिच इन मिनरल्स। फाइन, तो ये बात आप समझ पा रहे हो गाइस। आइए जरा वेल्ड की बात करते हैं। वेल्ड कहां पे है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड एज वेल्ड। ये आपको हाई वेल्ड लो वेल्ड गाइस दिख रहा है इन द मैप ऑफ अफ्रीका। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेटूस विथ वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। इसके ईस्ट में माउंटेन है कॉल्ड एज ड्रेकेंसबर्ग। क्या गाइस आपके पास अभी एटलस है? अगर एटलस है आपके पास तो ट्राई टू फाइंड आउट ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट एंड कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हाई वेल्ड एट हाइट ऑफ अराउंड 1600 मीटर इन सम प्लेसेस, 1600 मीटर इन सम प्लेसेस। माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका के मैप को देख के मुझे बताएं, ठीक, कि इस रीजन में क्या आपको ऑरेंज रिवर या लिम्पोपो रिवर दिख रही है? आर यू गाइस एबल टू फाइंड आउट ऑरेंज एंड लिम्पोपो? आप पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका को देखें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कंट्रीज फाउंड इन दिस रीजन। इस रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज मिल रही हैं? हरी अप गाइस, फास्ट फास्ट। सो गाइस, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका एंड नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वर्ल्ड। ये आपका असाइनमेंट है, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्या ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर्स आपको इस रीजन में दिख रही हैं? क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज, इनकी सहायक नदियां गाइस आपको इस रीजन में दिख रही हैं? यस और नो, लेट मी नो। आइए जरा अब क्लाइमेट की बात करते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज के पास कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेस्ट में रॉकीज है और ईस्ट में ग्रेट लेक्स, फर्दर और ईस्ट में एप्लेशन और ईस्टर्न हाईलैंड है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है, तो माय डियर फ्रेंड्स हैव अ लुक, वेल्ड में माइल्ड क्लाइमेट होगी, इन इंडियन ओशन का प्रभाव होगा, विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, टेम्परेचर बिटवीन 5 degree to 10 degree एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ। जी हाँ, क्यों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा यहां से गुजरती है,
इट इज प्रेजेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गाइस, अगर मकर रेखा यहां से गुजर रही है, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में, अगर इंडिया में जुलाई गर्मी का मौसम है, तो यहां पे जुलाई इज विंटर्स। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, विंटर्स कैसी होंगी, कोल्ड होंगी, ड्राई होंगी, टेम्परेचर बिटवीन 5 degrees and 10 degrees, समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। गाइस, वेरी फेमस फॉर गोल्ड, वेरी फेमस फॉर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जे से स्टार्ट होगा, जी से खत्म होगा, राइट इन कमेंट सेक्शन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट रिकॉर्ड्स 20 degrees centigrade टेम्परेचर इन द समर, रेनफॉल मेनली इन द समर, इनका समर मंथ नवंबर टू फेब। बात गाइस जोहान्सबर्ग की हो रही है, फेमस फॉर गोल्ड, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिकॉर्ड्स अबाउट 20 degrees centigrade टेम्परेचर इन समर एंड रिसीव्स रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई वार्म ओशन करंट वर्सेस द सोर्स ऑफ द वेल, rainfall is scanty in the winter month from June till August and sometimes drought may occur in the region. आइए इस क्षेत्र की वनस्पतियों की बात करते हैं, flora and fauna की बात करते हैं। flora is वनस्पतियां, fauna is जीव जंतु। vegetation कैसा है, sparse है, grasses dominate कर रही हैं, रेड ग्रास ग्रोस इन द बुश वेल्ड, हाई वेल्ड में अकेसिया मरूला आर फाउंड टू ग्रोइंग इन द हाई वेल्ड। एनिमल्स में आपको क्या दिख रहा है, लियोपार्ड, चीता, लायन एंड कुडू, दे आर फाउंड इन द रीजन। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक एनिमल दिखाऊंगा, आपको इसका नाम पता लगाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल फाउंड इन द रीजन। क्या आप पहचान पा रहे हो, ये बोल रहा है मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। इसके फेस को देखें, ब्लैक पिगमेंटेशन को देखें, व्हाइट स्ट्राइप्स को देखें, बिहेवियर को देखें। माय फ्रेंड्स, लॉट ऑफ असाइनमेंट फॉर यू गाइस, ये सब आपने स्कूल डेज में पढ़ा था, लॉन्ग बैक वंस अपॉन अ टाइम, ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, कौन कौन से एनिमल्स आपको दिख रही हैं। What is this? This. इनसे तो खूब खेला है बचपन में, याद करो। ये पूछ रहा है, मैं भी हूं। ये भी आपको देख रहा है, बोला मेरे अलग वैरायटी को देखो। आइए जरा लोगों की बात करते हैं। वेल्स आर नोन फॉर, गाइस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से पहचानिएगा, एंड प्लीज राइट योर नेम इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा कल। वेल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग, सॉयल इज नॉट वेरी फर्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकंटीन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस, जहां पर लैंड फर्टाइल होगी वहां पे मेज, वीट, बार्ली, ओट एंड पोटैटो आर ग्रोन। गाइस दोबारा आप मुझे बताना, व्हाट इज एडेबल पार्ट इन पोटैटो, ए राइजोम, बी बल्ब, मैंने कल आपसे पूछा था, सी ट्यूबर,
बी नन। पोटैटो में एडिबल पार्ट क्या है, क्या खाते हो आप, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर या नन? राइजोम, बल्ब, ट्यूबर या नन? माय फ्रेंड्स, आंसर इज ट्यूबर, विच इज मॉडिफाइड स्टेम। ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कैश क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, सुगर केन, कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। शीप रियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भेड़ पालन, भेड़ों को मीट के लिए, वुल के लिए लोग इस क्षेत्र में पालते हैं। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। शीप इज ब्रीड मेनली फॉर वुल। वुल तो मुख्यतः है ही, ठीक। और वेरी फेमस आपको दिखता है मेरिनो। क्या है मेरिनो, एक बार यूपीपीसी से पूछ लिया, मेरिनो क्या है? पॉपुलर स्पीसीज। देयर वूल इज वेरी वार्म। डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। माय फ्रेंड्स, कैटल आर रियर्ड इन वार्मर एंड वेटर रीजन्स। आप इस बात को गाइस समझोगे, ये आपको झमाझम वेराइटीज दिख रही हैं। फाइन, मेरिनो इज वेरी पॉपुलर। आप पहचानेंगे गाइस ये है क्या? कॉम्पोजिट, डॉर्पर, डॉर्सेट, फिनशिप, रोमनो, सफोल्क, टेक्सेल। व्हाट इज दिस? आप इसे पहचानेंगे। कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन। क्यों? फॉर बटर, चीज, फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड फॉर एक्सपोर्ट। आप सोच रहे होंगे, अच्छा, हैव अ लुक। वेल आर वेरी रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग सेंटर आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन। जोहेंसबर्ग इज फेमस कॉल्ड एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड। ये आपको गाइस एनसीईआरटी में किम्बरली का डायमंड माइन का इमेज पेज नंबर 69 पे दिया है, आप उसे ध्यान से देख सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ये आपको एक माइनिंग दिख रही है, हैव अ लुक। जब सारे मिनरल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आस पास के सेटलमेंट में कोई बसेगा बचेगा नहीं, लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे, यही बनता है बाद में घोस्ट टाउन। इसमें कोई भूत नहीं होते, इट इज कॉल्ड एज घोस्ट टाउन। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विथ ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। दिस मिनरल्स रिच एरिया हैज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बात आप समझते हो गाइस। फाइन, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव रिकैप। आप मुझे बताओगे, मैंने आपसे कहा था कि ग्रेट लेक्स को आप कौन कौन से लेक्स हैं उसे आप देखें। आज ही हम लोगों ने प्लस पे 6:30 से 8:30 PM वाले सेशन में झमाझम ग्रेट लेक्स पढ़ा है। गाइस, बार बार मैं आपको क्यों समझाता हूं गो फॉर प्लस, क्योंकि ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी राइट नाउ इज गोइंग ऑन। व्हाट इज रेंच? रेंच क्या है? व्हाट इज काउबॉय? व्हाट इज बाइसन? बाइसन क्या है? ठीक, रॉकीज कैसी माउंटेन है? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड गाइस लेट मी नो। माय फ्रेंड्स, आप खूब मेहनत करें, आप अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को आप देख रहे हो, ऑसम क्वालिटी की सीरीज आपको मिल रही है ऑन दिस फ्री प्लेटफॉर्म, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
लेट्स मेक इट वायरल, लेट्स क्रैक इट। और अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपना नाम और डिटेल मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, आप प्लस कोर्स पे हो कि यूट्यूब पे हो, फाइन। और अगर अभी प्लस कोर्स में गाइस, यू विल बी पार्ट ऑफ माई प्लस कोर्स व्हेन यू हैव यूज्ड माय कोड, तो ही आप मेरे प्लस ग्रुप के पार्ट बनते हो, फाइन। फॉर टेलीग्राम लिंक इज t.me/ajitlive, अजीत तिवारी सर @jurnalstudies। और कोई डाउट क्वेरीज रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल डिस्कस। अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, सो दिस इज द लिंक फॉर ट्विटर एंड दिस इज फॉर द फेसबुक। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टुमारो वी विल डिस्कस एक्साइटिंग चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी at the 8:30 PM. So Monday to Saturday daily at 8:30 PM. See you guys, love you all, bye bye, thanks for watching.